नाउ डिस्कस अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे लाइक पॉइजन्स रेशियो, थर्मल स्ट्रेस और इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. ये कुछ एक बातें हम लोग यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच और कंप्रेस इलास्टिक बॉडी. दिस वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. बॉडी को कंप्रेस करने में या एलोंगेट करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स दिस वर्क डन स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो एक वायर है, इट्स ओरिजिनल लेंथ इज एल एंड इट इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स. ठीक, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, वाई इज द यंग्स मॉडुलस, एम जी इज द वेट जो सस्पेंड किया गया है. तो आपको पता है वाई क्वेश्चन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एफ अपॉन ए, डेल्टा एल तो एक्स है, अपॉन एल. ये वाई बन गया, यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं वाई ए एक्स बाई एल, ये फोर्स आ गया. अंडर द इफेक्ट ऑफ द सेम फोर्स इज फर्दर स्ट्रेच बाई डी एक्स. For further stretching by dx, very small work done required, that is dw, f dx. Putting the value of f, it's y a x y l dx, total work done, y a over l x dx. 0 टू एल या 0 टू एक्स ले लो, 0 टू एक्स या 0 टू एल, जो भी मर्जी है. चलो एक्स ही ले लेते हैं, वाई ए एल, एक पावर बढ़ जाती उतने से डिवाइड, वाई ए एल ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक, ये जो वर्क डन होगा ये स्टोर हो जाएगा एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो क्या क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से. देखो पहला फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर आप देखें वाई ए एक्स ओवर एल, वाई ए एक्स ओवर एल फोर्स बन गया, हाफ एफ इंटू एक्स. व्हाट इज एक्स? एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग इन लेंथ. तो पहला फॉर्मूला जो आपको मिला वो मिला हाफ टेंशन इनटू एक्सटेंशन. ये पहला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये पहला फॉर्मूला आ गया हाफ टेंशन इनटू एक्सटेंशन. ठीक है, और फर्दर फॉर्मूले देखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलेशन लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से डिवाइड. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन जाएगा? स्ट्रेस. ये क्या बन जाएगी? स्ट्रेन. क्योंकि एक्स क्या है? इंक्रीजिंग इन लेंथ. कैपिटल एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ. तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. एक फॉर्मूला ये मिल गया, एक ये मिल गया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. एक होती है एनर्जी डेंसिटी,
एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एक फॉर्मूला ये बन गया, ये एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और फॉर्मूले देख लो उसमें, और फर्दर फॉर्मूले देख लो, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेन से मल्टीप्लाई स्ट्रेन से डिवाइड कर दिया, ये यंग्स मॉडुलस हो गया। तो एक और फॉर्मूला मिल गया, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया। अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी का ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतने फॉर्मूले पॉसिबल हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। दोबारा देख लो, हम लोग लेके चले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच और कंप्रेस वन इलास्टिक बॉडी इज वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड इनसाइड द इलास्टिक बॉडी एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओरिजिनल लेंथ एल थी और उस पर लोड लगाया यानी फोर्स लगाया तो एक्स ए एक्सटेंशन आ गया, तो फोर्स बन जाएगा वाई ए एक्स ओवर एल। इसको फर्दर स्ट्रेच किया डी एक्स से बाई द सेम फोर्स, तो वर्क डन हो जाएगा एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। इसमें वाई ए एल इंटू एक्स फोर्स है, तो पहला फॉर्मूला मिला आपको हाफ टेंशन इंटू एक्सटेंशन। फिर हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो एक और फॉर्मूला बन गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी हुआ करता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। क्लियर? नाउ और इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखो, अ स्टील वायर 6 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 3 मिलीमीटर, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, वाई इज 2×10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ये क्वेश्चन है, स्टील वायर और उसकी लेंथ दे रखी है 6 मीटर यानी एल इज गिवन, डेल्टा एल भी गिवन है 3 मिलीमीटर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज ऑल्सो गिवन, इट इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडल इज गिवन 2×10^11, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ऑल्सो। अब वाई दिया हुआ है तो हमें पता अब ये फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी का हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। y दिया हुआ है 2×10^11, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 0.003/6 का स्क्वायर। जब उसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 2.5×10^4, जूल पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी डेंसिटी आ गई,
अब सेकंड पार्ट में एनर्जी निकलवा रहे हैं, एनर्जी अगर निकलवा रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लो, एनर्जी डेंसिटी थी 2.5 10 पावर 4, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, एरिया 2×10⁻¹ मिलीमीटर का स्क्वायर है, -6 एल 6, इसको सॉल्व करेंगे 0.3 जूल। तो ये एनर्जी भी आ गई, एनर्जी डेंसिटी भी आ गई, दोनों चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली इससे। नाउ एक और न्यूमेरिकल देख लो, क्वेश्चन ये 45 kg बॉय हुज लेग बोन्स आर 5 cm² इन एरिया एंड 50 cm लॉन्ग फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 m विदाउट ब्रेकिंग हिज लेग बोन्स। इफ द बोन्स कैन स्टैंड अ स्ट्रेस ऑफ 0.9×10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बोन्स जी इज 10 m/s² जी इज 10 m/s² क्वेश्चन ये एक बॉय है जिसका मास 45 kg है और उसकी बोन्स लेग बोन्स का जो एरिया है वो 5 cm² है, लेग्स 50 cm लॉन्ग हैं और 2 m हाइट से गिर रहा है और लेग्स ब्रेक नहीं हो रही हैं, ठीक है। और जो इफ द बोन्स कैन स्टैंड अ स्ट्रेस ऑफ 0.9×10⁸ n/m², तो जो बोन्स हैं उनका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। दो कैसे करेंगे, तो क्या क्या गिवन है वो देखें आप। एक तो मास गिवन है, दैट इज 45 kg। और बोन्स का एरिया रखा है 5 cm². लेंथ 50 cm है, एज दे रखा है 2 m, स्ट्रेस 0.9×10⁸ n/m² दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करवा रहे हैं, जी 10 लेके चल सकते हैं, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब वो 2 m हाइट पे था तो mgh होगी, इट इज इक्वल्स टू। अब देखो उसने आपको पता है कि हमें एक लेग जो एक ही होगी दूसरे की होगी, तो ट्वाइस ऑफ हाफ, और अब ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया दे रखा है हाफ टेंशन इनटू एक्सटेंशन, क्योंकि जो कैलकुलेट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करवा रहे हैं। यंग्स मॉडुलस के लिए हमें, आपको पता है यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस दिया हुआ है, अगर हम स्ट्रेन निकाल लें तो हम यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अब स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम,
मास दिया हुआ है 45, 10, 2 और ये है स्ट्रेस दिया हुआ है 0.9, 10 टू द पावर 8। स्ट्रेन निकालना है, वॉल्यूम हो जाएगा 0.5 इंटू 5 टेन टू द पावर माइनस 4। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन आएगा 0.04, इट्स 0.04। और अब हमें कैलकुलेट करना है यंग्स मॉडुलस, सो y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन 0.9 10 टू द पावर 8 0.04 2.25 10 टू पावर 9 ये y आ गया। तो इस तरह हम लोग यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, नाउ और अब लेके चल रहे हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इट द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेंस। आप देखो कि अगर कोई वायर है उसको हम खींचते हैं तो लेंथ बढ़ती है तो उसका एरिया कम हो जाता है, पतला होना स्टार्ट हो जाता है। इट द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेंस, एक होता है लिटरल एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। डेल्टा एल बाई एल डेल्टा आर बाई आर, तो ये टू स्ट्रेंस हुआ करती और इन दोनों का रेशियो कहलाता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अब जैसे कोई वायर है, देखो देखते हैं कोई वायर मिल जाता है अगर तो खींच के दिखाते हैं आपको। तो खींचेगा नहीं, खैर जैसे यही वायर है सपोज, ठीक है, अगर इसको मालूम एनी हाउ खींचा जाए, अगर इसकी लेंथ बढ़ती है तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यही पॉइजन्स बताया, दैट द पॉइजन्स रेशियो मींस इट इज द रेशियो ऑफ, ये सिग्मा से नोट होती है, सिग्मा इट इज माइनस लिटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब माइनस डेल्टा आर बाई आर टू डेल्टा एल बाई एल। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेडियस कम होना स्टार्ट, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, ये मतलब हुआ इसका माइनस साइन का। तो इट द रेशियो ऑफ लिटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस ऑफ द वायर, और ये तो आपको पता ही है, दैट इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। क्लियर, और अब लेके चल रहे हम लोग थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस डिस्कस करते हैं। थर्मल स्ट्रेस का मतलब है जैसे मान लो एक वायर है उसको हम गर्म करते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है,
और एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, थर्मल प्रॉपर्टीज भी मिलेगा अभी आगे, कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, राइज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा एल गोज टू एल्फा एल डेल्टा टी, या डेल्टा थीटा लिया तो डेल्टा थीटा। एल्फा इज द कोफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सो डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा एल्फा डेल्टा थीटा। और आपको पता है कि वाई गोज टू स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेस क्या मिलेगा, वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस, डेल्टा एल बाई एल किसका बराबर है, एल्फा डेल्टा थीटा। ये जो स्ट्रेस आई है इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। मतलब जानो, एक बीम है ऐसे फिक्स है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो ये जो दो सपोर्ट है उन पर फोर्स लगाएगी। एक ये जो स्ट्रेस होगी ड्यू टू टेम्परेचर क्या कहलाएगा, थर्मल स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस आ रही है इसको थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर। आप देखो, आपने एक रॉड को दो सपोर्ट के बीच में लगा दिया, अब इस रॉड को गर्म करना स्टार्ट करो, आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये जो दो सपोर्ट हैं उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, वो स्ट्रेस बनाएगा ड्यू टू टेम्परेचर, उसे कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। एक और फॉर्मूला बनता है थर्मल स्ट्रेस का, अगर वॉल्यूम है तो वही फिर वही हो जाएगा राइज इन टेम्परेचर गामा वी डेल्टा थीटा। यहाँ जो गामा है इट इज द कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, तो डेल्टा वी अपॉन वी मिल जाएगा आपको गामा डेल्टा थीटा। और आपको पता है कि बल्क मॉडुलस जो आपको मिलता था, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम लोग, तो स्ट्रेस अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो यहां से फॉर्मूला आपको मिलेगा स्ट्रेस कोस टू बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी और गामा डेल्टा थीटा। यह भी स्ट्रेस क्या कहलाएगी, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कोई क्यूबिकल बॉडी इसको गर्म करेंगे तो बढ़ेगी, उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, B इंटू गामा डेल्टा थीटा। ऐसी एक और स्ट्रेस मिलेगी Y अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है, इट इज द कोफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसमें गामा क्या है, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आपको पता है कि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम टू डेंसिटी होता है, और डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। डेल्टा रो का मतलब हो गया है चेंज इन डेंसिटी, रोडेस माइनस रो अपॉन रो, डेल्टा वी अपॉन वी को चेंज कर दो, चलो अभी तो डेल्टा वी अपॉन वी लिख दो, यहां हो जाएगा रोडेस अपॉन रो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। और आपको पता है कि बल्क मॉडुलस होता है माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या मिल जाएगा, पी अपॉन वी। तो यहां से
अगर हम रोडेस निकालना रोडेस अपॉन रो निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस पी अपॉन बी, और रोडेस कॉस टू रो 1 प्लस पी अपॉन बी। ठीक है, और वन अपॉन बल्क मॉडल्स आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये क्लियर हो गया है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर किसी को कंप्रेस करते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, रोडेस ग्रेटर देन रो। दोबारा देख लो, आपको पता है मास कॉस टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हुआ करता है, रो हो जाएगा एम अपॉन वी, लॉग ले लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी के डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, लॉग रो का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा रो बाई रो हो जाएगा, ये डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, डेल्टा रो का मतलब हो गया रोडेस माइनस रो, रोडेस फाइनल डेंसिटी, रो इनिशियल डेंसिटी, डेल्टा वी अपॉन वी मिल जाएगा पी अपॉन बी, जिसकी जगह हमने पी अपॉन बी लिख दिया, और डेल्टा सॉरी रोडेस अपॉन रो इक्वल्स टू वन प्लस पी अपॉन बी हो गया, रोडेस हो जाएगा रो वन प्लस पी अपॉन बी, और रोडेस इक्वल्स टू रो वन प्लस पी सी, और रोडेस ग्रेटर देन रो, मतलब अगर हम कंप्रेस करेंगे कोई चीज़ तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है। इज इट क्लियर? तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये। देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल अंडर अ प्रेशर ऑफ 20,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, गिवन डेंसिटी ऑफ द मेटल 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बल्क मॉडल्स इज गिवन 8×10⁻¹। अब देखो ये जो अभी फॉर्मूला है उसी पे न्यूमेरिकल एक बेस्ड है, उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, रोडेस रो वन प्लस पी ओवर बी, इस पे ही बेस्ड है, रो दिया हुआ है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो सीजीएस में लेके चलते हैं, प्रेशर 20,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2×10⁸ हो गया सीजीएस में, बल्क मॉडल्स गिवन है 8×10⁹, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 11.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये न्यूमेरिकल बनेगा इसका। क्लियर? तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे, एक न्यूमेरिकल हमने आपको करके दिखा दिया इसके ऊपर।